हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय होम एंड इंसेंट बोर्ड लेक्चर सीरीज। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं उनकी नेचुरल सोर्सेज क्या हैं। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कौन कौन सी नेचुरल सोर्सेज के थ्रू, कुदरती सोर्सेज के थ्रू हमें मिल सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ सोर्सेज। नंबर 1 इज मिनरल सोर्सेज एंड नंबर 2 इज प्लांट सोर्सेज। तो हमें जो है प्लांट्स एक बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जो कि मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम मिनरल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में। सो मिनरल सोर्सेज में हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं। नंबर 1 इज कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज पेट्रोल, नेचुरल गैस जो हमारे पास घर में आ रही होती है जिसे हम मीथेन कहते हैं, एंड कोल इज बेसिकली कोयला। सो वी हैव 3 सोर्सेज जो कि मिनरल्स के टाइप में आते हैं, जिसे हमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे होते हैं। अब अगर हम कोल की बात करें तो कोल में एक टाइप होती है जिसे हम सॉफ्ट कोल या बिटुमिनियस कोल कह रहे होते हैं। ये याद रखिएगा ये टर्म, ये बेसिकली आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तो ये सॉफ्ट कोल है आपके पास, ये बेसिकली इससे जो है एक प्रोसेस किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब इस सॉफ्ट कॉइल को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और जब इस प्रोसेस से गुजारा जाता है तो हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब बेसिकली क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्लोज कंटेनर के अंदर इस सॉफ्ट कॉइल को ऐड करते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं जो कि सॉलिड इन नेचर है। जब आप उसे इस कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं और उसे हीट करते हैं, हीटिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, तो जो भी आपके पास सब्सटेंसेस है या फिर जो आपके पास कोल मौजूद है वो कोल डीकम्पोज होता है, टूटता है, और उसके टूटने से हमें क्या मिलता है, कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूट्स मिलते हैं। वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब ये होता है ऐसे आपके पास प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर एवेपरेट हो जाते हैं। सो बेसिकली हमें मोस्टली वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूट्स मिलते हैं, लेकिन इसके बरक्स हमें नॉन वॉलेटाइल भी मिलते हैं, जिसमें अगर हम बात करें आपकी बुक की तो वो कह रहा है कि जब हमने कॉइल को जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारा तो हमें 3 तरह के जो है वो समझ लें कि प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें स्टेट में तो हमें सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, लिक्विड स्टेट में भी मिलता है, और गैस में भी। अगर सॉलिड की बात करें तो हमें कोक मिलता है। कोक इज़ अ प्योर कार्बन जो कि यूज़ होता है इंडस्ट्री में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की फॉर्म में हमें जो है ना कोल तार मिल रहा होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है 100 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और कोल तार जो है बेसिकली ये थिक डार्क लिक्विड होता है जो कि प्रोडक्ट, जैसे कि हमने कहा कि ये कोल जो है हमारा इसका एक प्रोडक्ट होता है, तो ये डार्क थिक लिक्विड होता है जिसे हम कोल तार कह रहे होते हैं। और इस कोल तार को हम मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल दोनों के अंदर जो है यूज़ कर रहते हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हम इसे टॉपिकली अप्लाई कर रहे होते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। और टॉपिकली का मतलब होता है कि स्किन के ऊपर अप्लाई करना। तो बेसिकली मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इस कोल तार की, ये है कि ये स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसके बरक्स अगर हम गैसेस में देखें तो गैस में हमें कोल गैस मिल रही होती है, और ये जो कोल गैस है ये बेसिकली एज अ मेन प्रोडक्ट है फ्यूल का, जो फ्यूल के तौर पर ये कोल गैस जो है इस्तेमाल हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसे अभी हमने डिस्कस किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब एक और प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी, मतलब जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसको आप वाटर के अंदर डालते हो, और वाटर में डालने के बाद आप उसे हीट करते हो। अब हीट करने से क्या होता है कि उस सब्सटेंस के अंदर या जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एवेपरेट होते हैं, और एवेपरेट होने के बाद आपको मिल जाते हैं। तो डिस्टिलेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इसकी एक टाइप है डिस्टिलेशन की। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप कॉल की करते हो तो इससे आपको अगर एक जो है एमसीक्यूज पूछा जाता है कि अगर हम कोल तार जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो 100 kg 100 किलो कोल तार को अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारोगे तो उससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा बेंजीन, और वो कितना मिलेगा, 1 to 2 kg। तो ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि अगर आप 100 kg कोल तार यूज़ करते हो तो आपको कितना kg बेंजीन मिलता है, 1 या 2 kg बेंजीन मिलता है।
सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो हम कोल टार और कोल गेज इन तीनों का कर रहे होते हैं बेसिकली। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो जस्ट कोल टार के ऊपर यूज़ नहीं होता, मतलब कि हम जस्ट कोल टार का नहीं करते, हम कोक का भी करते हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे हमारे पास सब्सटेंसेस मौजूद हैं। यहाँ पर जस्ट हम बात करें कोल टार की, तो कोल टार का जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 kg कोल टार के यूज़ करने से 1 से 2 kg आपको बेंजीन मिलेगा। और ये प्रोसेस जो है समझने के इसके अंदर आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट इसके अंदर आपको 1 से 2 kg बेंजीन मिलता है। तो ये तो एक नेचुरल सोर्स थी जिसमें कोल है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इसी के साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।